आपका बैलेंस 60,000। वो पैसे तो भेज दिया, 1,000 बैलेंस। ना 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 ना, बॉस ने बोला नहीं 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 मिला जी। जी आपके 600 पुराने बैलेंस हैं, सिर्फ 500 बाकी हैं। क्या मुसीबत। इस मुसीबत का हल है सिर्फ खाता बुक ऐप, जो करे आपके सारे हिसाब किताब आसान। अब खाता हुआ खाता बुक। दिल्ली में फाइनली चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, दिल्ली वोट कर रही है। मुझे फील्ड पर मिले कुछ लोगों के हिसाब से, कुछ वाक्यों के हिसाब से बताइए कि दिल्ली इस बार किस तरह से वोट डाल रही है। मतलब इज इट डिफरेंट फ्रॉम द बाकी जो देश के वोटर हैं उनसे अलग है, कुछ आपको चीज़ें दिखी हों ग्राउंड पे? देखिए सौरभ, दिल्ली की तुलना हम पिछले दिल्ली के चुनाव से करते हैं, 2015 में एक उत्साह का माहौल था, यूफोरिया था, एक वेव थी कि कुछ भी हो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी को एक बार फिर मौका देना है, खासकर की आम आदमी पार्टी जो वॉलंटियर थे, झाड़ू लेकर आपको रास्ते के कोने पे मिलते थे लोग अपने टोपी लेकर, एक उत्साह का माहौल, फ्लैश मॉब हो रहा है, गाने बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी जी जी। लेकिन इस बार वो कहीं उत्साह नहीं नजर आता। ट्रू। आपने प्रोग्राम के पहले जब हम बात कर रहे थे कहा एक अंडर करंट हो सकती है, और मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये लहर का चुनाव नहीं है, अंडर करंट का है। और ये अंडर करंट आज की तारीख में केजरीवाल के पक्ष में नजर आती है, क्योंकि ये जो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा का चुनाव किया था, द टीमो चुनाव, देयर इज मोदी ओनली, केवल मोदी जी है, यहां भी एक ऐसा माहौल बन गया है कि दिल्ली के लिए केजरीवाल। तो आपने पूछा जब लोगों से पूछते तो क्या जवाब मिलता है, कई लोगों ने कहा कि सर हमने मोदी जी को लोकसभा में चुनकर लाया है लेकिन दिल्ली के लिए केजरीवाल। भाजपा के वोटर्स भी, देखिए केजरीवाल ने एक पकड़ तो अपने वोटर में बना दी है, एक उन्होंने स्पेशली वीडियो रिलीज किया बीजेपी के वोटर्स को संबोधित करते हुए कि आप अपनी पार्टी बने रहिए, सब करिए, लेकिन 5 साल काम हमने किया है, तो बीजेपी के वोटरों से मेरी अपील है, ऐसा एक डेडिकेटेड वीडियो रिलीज हुआ है। देखिए केजरीवाल सीख गए हैं राजनीति, मॉडर्न डे राजनीति कैसी करनी है, हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी है। हनुमान चालीसा आज मैं सुन रहा, वो हनुमान मंदिर जा रहे हैं, वहां कैमरा उनके साथ जा रहे। देखिए मोदी जी गए थे केदारनाथ लोकसभा बंगाल के चुनाव के पहले, केजरीवाल चले गए हनुमान मंदिर, और सभी चैनलों को कह रहे चलिए हमारे साथ, चुनाव प्रक्रिया हालांकि खत्म हो गई है, फिर उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज किया, जो वीडियोस कि अब मैं देख रहा था एक वीडियो, वो किसी के दरवाजे पे खटकाते हैं, मैं आ सकता हूँ, नमस्कार मैं हूँ अरविंद केजरीवाल, और फिर कहते हैं क्या कर पानी पीते हुए मैं किस विषय पे आपको बताऊं। हाँ तो ये देखिए, और मेरे एक फैमिली मेंबर है, उन्होंने वो 60-65 साल की है, उन्होंने वो वीडियो देखा और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, देखिए केजरीवाल जी हमसे बात कर रहे हैं। देखिए ये जो उन्होंने एक तरह से आज की मॉडर्न कम्युनिकेशन में आप एक तरह से वोटर को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आपको रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती, रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती जितनी पहले करनी पड़ती थी, अब आप एक नई तरह की डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी है बदली है, कहीं मोदी जी को डायरेक्ट अटैक नहीं किया, पूरे कैंपेन में उन्होंने नरेंद्र मोदी द पर्सन जो इंडिविजुअल है उनके पर्सनैलिटी को उन्होंने टारगेट नहीं किया है, तो वो बड़े सोच समझ कर राजनीति कर रहे हैं। ये भी उनकी एक छवि बीजेपी ने बनाने की कोशिश की कि वो एंटी हिंदू है, तो हनुमान चालीसा आ गया, फिर कि वो देशद्रोही है, तो तुरंत उन्होंने अपने आप को एक तरह से विक्टिम बनाया, क्या मैं वाकई देशद्रोही हूं दोस्तों, तो बड़े क्विक रिएक्शंस। और उस वजह से जिस तरह से मोदी जी का प्रभाव लगा लोकसभा में, केजरीवाल का लगता है विधानसभा में, हालांकि नंबर और सीट कितने आएंगे इस पर अभी भी सवाल है, बीजेपी ने लड़ाई जरूर दी है, क्योंकि बीजेपी भी जान गई है सौरभ 2015 की गलतियां नहीं की है, किसी को ना प्रोजेक्ट किया जैसे किरण बेदी को तब किया था, और लोकल जो उनके ऑफिस जो कार्डर है अमित शाह ने डायरेक्ट उनसे संपर्क किया है, मुझे कह रहे थे अमित शाह कि हर रैली के बाद वो वहां के लोकल वर्कर्स के साथ आधा घंटा बैठते हैं, क्या परेशानी है, क्या इश्यूज है। उन्होंने कैंपेन इस बार अपने आप कंट्रोल किया है, दिल्ली बीजेपी को किनारे करके डायरेक्टली वर्कर्स और जो वॉलंटियर्स है, बूथ वर्कर्स हैं, उनसे संपर्क किया है, तो उन्होंने भी अपनी एक तरह से चाल खेली, और जितने भी एमपीज हैं
उनको कहा दो, मुझे जो कहा गया कि 200 एमपीज हैं, 200 से ज्यादा एमपीओं को झुग्गियों में, एक एमपी को कहा गया 4 दिन आप एक झुग्गी को टारगेट करेंगे, वहां हर जो वोटर है उसे किसी भी तरह से अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने भी लोकलाइज किया है। ये शाहीन बाग सब ठीक है अपने टीवी कैमरा के लिए, लेकिन लोकल लेवल पर आपको संपर्क करना पड़ता है, क्योंकि एक तरह से म्युनिसिपल चुनाव बन जाता है। तो बीजेपी ने कोशिश तो जरूर की है। कांग्रेस सर, लुक एट द रिएक्शन। यू सी, दिस इज द इंटरेस्टिंग, एज अ मैं एक ऑब्जर्वर हूं, मैं 98, 2003, 2008 में जो पार्टी जीत कर आती है, क्या 3 बार लगातार जीतने के बाद 8 सालों में, या 2012 से 2020 8 सालों में बिल्कुल एक तरह से दिखती नहीं है। खाता खोलने का लाले पड़ रहे हैं इसको। देखिए, पिछले एक हफ्तों में आप जहां भी जाइए कांग्रेस के पोस्टर लग गए हैं, आप टीवी चैनल खोलिए कांग्रेस के एड्स हैं, लेकिन जमीन पर वो जितनी जिगर चाहिए। ज्यादातर वोटर्स जो हमारी टीमें घूम रही थी राजदीप, तो वोटर्स को पता ही नहीं कांग्रेस कैंडिडेट कौन है। देखिए, एक दो आप बताइए अच्छे कैंडिडेट नजर आते हैं। अभिषेक दत्त जो है कस्तूरबा नगर में, उसके बारे में काफी चर्चा होती है, उसको अच्छा कॉर्पोरेटर भी माना जाता है। शिवानी चोपड़ा है कालका से, सुभाष चोपड़ा की बेटी, तो गांधीनगर से लवली है, सीलमपुर से मतीन अहमद है, कृष्णा नगर से एक ही वालिया नहीं, ऐसे है नहीं। देखिए, 4-5 सीट नहीं, मैं ये कह रहा हूं 4-5 ऐसे हारून यूसुफ जो 2-3 बार मंत्री रहे हैं, यानी कांग्रेस की एक ताकत थी, लेकिन संगठन बहुत हल्का पड़ गया है। इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, लेकिन संगठन जब आपका इतना कमजोर हो जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स बदल गई है। मैं बार बार कहता हूं, विराट कोहली ने जो नेता जो क्रिकेट के लिए किया है, मोदी और शाह ने पॉलिटिक्स में किया। अब आपको कंपीट करना पड़ता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को भी पता चला, केवल इस बार वो पुराने केवल अपने भाषणों से नहीं आप लोगों को लुभा पाओगे, आपको ग्राउंड लेवल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सबको एक तरह से व्हाट्सएप, पूरा नैरेटिव कैसे कंट्रोल। देखिए, एक दिन में चुनाव का आखिरी दिन था गुरुवार का, हर अखबार में अरविंद केजरीवाल का बड़ा इंटरव्यू। देखिए कैसे उसने अपने आप को पोजीशन किया है कि आखिरी इमेज आप बिल्कुल जैसे मोदी जी के कैंपेन से सीखा बिल्कुल है। पर यही तो राजनीति होती है, ये मोदी जी के जो अच्छे पॉइंट्स हैं आपको सीखने पड़ते हैं, वो जानते हैं कैसी इलेक्शन मशीन चलानी है। केजरीवाल तो 10 साल भी नहीं हुए पॉलिटिक्स में, कांग्रेस तो 100 साल की पार्टी है, और 100 साल की पार्टी क्या सीख नहीं पाती है। पर राहुल और प्रियंका ने कुछ रैलियां की आखिरी 1-2 दिन में, की ये ऐसे नहीं होता है सर। रैलियां की क्या, ये कोई मैंने एक रैली की, ये कोई ये आप राजनीति को एक तरह से अपना पिकनिक की तरह मत मानिए कि चलिए आज चलते हैं रैली करते हैं, क्या कुछ करना है नहीं चलिए रैली कर, ऐसा नहीं होता है। आपको सबको कीर्ति आजाद, आपने कीर्ति आजाद कैंपेन कमेटी चेयरमैन है, कहां है कीर्ति आजाद, जमीन पर दिखे हैं? सुभाष चोपड़ा में मैंने सुना है सुभाष चोपड़ा और कीर्ति आजाद बात भी एक दूसरे से नहीं कर पाते हैं, उनके पैम्फलेट और तस्वीरें नहीं एक दूसरे की, क्या है ये, ये किस तरह से पार्टी चलेगी? आपको सबको साथ लेकर चुनाव लड़ना है। कांग्रेस में टैलेंट है, लेकिन आप जब तक लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, जब तक आप खुद उनको एक लीडरशिप नहीं, नेतृत्व नहीं है। मैंने अमित शाह को पूछा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, अमित शाह मुझे एक शादी में मिले, हमारे एक कॉलीग उदय जी के बेटे की शादी है, वो वहाँ अहमदाबाद में कई साल तक इंडिया टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, अमित शाह जी को अच्छा जानते हैं। मैं प्रोग्राम खत्म करके वहाँ पहुँचा तो पूरी झुंड वहाँ अमित शाह जी के साथ बैठी थी, तो मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि आप गृह मंत्री हैं लेकिन नुक्कड़ सभा तो करने जाते हैं, उसने कहा क्यों नहीं करें, हम तो पॉलिटिशियन है ना, क्या आप अपने टीवी प्रोग्राम नहीं करते क्या? उसी तरह से मैं अपना, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं चुनाव जीतने के लड़ता हूं। अब वो जीते ना जीते बात अलग है, लेकिन कंपीट तो कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें 45 सीटें आ रही है, बीजेपी को 45 सीटें आ रही है, तो मैंने हंस के कहा सर आप बुरी तरह से हार रहे हैं, पूरा जितने भी लोग वहां थे बिल्कुल चुप बैठ गए एक मिनट के लिए। तो उन्होंने कहा क्यों आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर झुग्गी झोपड़ी और जहां मैं गया हूं वहां लगता है केजरीवाल जी की एक अंडर करंट है। तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो वहीं उन्हीं इलाकों में है।
तो मैंने कहा चलिए 11 तारीख दूर नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि पूरी एक तरह से बीजेपी अपने फौज के साथ लड़ना जानती है। अमित शाह जनरल है, गृह मंत्री भले ही हो लेकिन चुनाव लड़ रहे, नुक्कड़ सभा पर जा रहे हैं। इसे कहते हैं मुझे लगता है राजनीति। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मैं बार बार कहता हूं, मौका है, मुद्दे हैं, लेकिन आपको 365 दिन 2400 घंटे सातों दिन लड़ना पड़ेगा, चुनाव लड़ने का है।